ठीक है तो इन जीरो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन बी और बी में हम एवरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फोर बिट्स फॉर एग्जांपल हमने डेसिमल में अगर एट लिखा तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जीरो 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 ठीक वाई बी का जो वेट होता है वो होता है एट फोर टू वन एंड बी इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल मींस की डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल नंबर हमारे जीरो टू नाइन होते हैं और जीरो टू नाइन टोटल नंबर्स कितने हुए टोटल नंबर हुआ टेन मीन्स की केस ऑफ डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर फॉर दिस केस नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इक्वल टू टेन ठीक टेन होंगी जीरो टू नाइन ठीक नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी होंगी नंबर ऑफ आउटपुट्स विल बी इक्वल टू फोर क्योंकि एवरी डिजिट को हम फोर बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक नाउ अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा ये है हमारा डेसिमल टू बी सी डी इनकोडर ठीक है इसके इनपुट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये हो गया ये हमारा क्या होगा डी नोट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन ठीक आप डी से भी डिनोट कर सकते हो आई से भी डी मीन्स डेटा आई मीन्स इनपुट तो इनपुट डेटा ही होता है बेसिकली डिपेंड्स की आप क्या वेरिएबल यूज करते हो आउटपुट पर हमें क्या मिलेंगे फोर ठीक है तो हम इनको नाम दे देते हैं सपोज ये हमारी ए बिट हो गई बी बिट हो गई सी डी आप ए, बी, सी, डी, वाई टू वाई थ्री कुछ भी दे सकते हो तो मैं दे देती नाम ए, बी, सी डी ठीक है तो दीज आर द आउटपुट्स। तो ये क्या हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेसिमल टू बी सी डी इनकोडर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम नाउ अब हम इसके ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल तो अकॉर्डिंग टू दिस how हाउ inputs इनपुट्स आर देयर टेन इनपुट्स आर Inputs इनपुट्स को हम लिखते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं डी नोट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन ठीक और वन मोर थिंग इन केस ऑफ इनकोडर एट अ टाइम एक ही इनपुट हाई होगी अगर हमारा नॉर्मल है अदरवाइज हम प्योरिटी इनकोडर यूज़ करते हैं ठीक है यहाँ पे आउटपुट्स क्या होंगे ए बी सी डी क्लियर एट अ टाइम एक हाई होगा मीन्स अगर डी वन डी नॉट इफ डी नॉट इज वन तो रिमेनिंग क्या होंगे हमारे जीरो और रिमेनिंग जीरो होंगे वन को हम बी में कैसे लिखते हैं जीरो 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 नाउ डी नॉट जीरो होगा डी वन हाई होगा रिमेनिंग ऑल क्या होंगे जीरो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट दस वन ये बी में हमने लिखा नाउ याद रखना है ए का वेट है एट फोर टू वन जो वेट रिक्वायर्ड है वो हाई होगा वन था तो सिर्फ हमें वन चाहिए हाँ Now for D2, D2 हाई है ठीक नाउ फॉर डी टू डी टू हाई रिमेनिंग ऑल जीरो नेक्स्ट डी थ्री हाई रिमेनिंग ऑल जीरो जब डी टू हाई था तो वैल्यू क्या होगी वन जीरो डी थ्री हाई था आउटपुट पे क्या मिलेगा दिस वन नाउ डी फोर विल बी हाई रिमेनिंग ऑल विल बी जीरो क्या होगा फोर नाउ डी फाइव हाई होगी रिमेनिंग ऑल क्या होंगे जीरो और यहाँ पे क्या मिलेगा ज़ीरो वन ज़ीरो नाव डी सिक्स विल बी हाई रिमेनिंग क्या होंगे ज़ीरो यहाँ क्या मिलेगा ज़ीरो वन वन जीरो नाव डी सेवन विल बी हाई रिमेनिंग ज़ीरो यहाँ क्या मिलेगा वन वन सेवन नाव डी एट विल बी हाई रिमेनिंग ऑल विल बी ज़ीरो तो यहाँ हमें क्या मिलेगा एट मीन्स कि एट हाई होगा और रिमेनिंग ऑल जीरो नाउ यहाँ पर हमारा लास्ट लास्ट डिजमिल नंबर इज नाइन वो हाई है तो उसका बाइनरी इक्वेलेंट या बी कोड क्या होगा वन जीरो जीरो वन ठीक तो ये तो हमारी होगी टेबल नाउ अब हमें लिखनी होगी एक्सप्रेशन अब हम लिखते हैं एक्सप्रेशन जब हम ए की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम देखेंगे ए की वैल्यू कहाँ कहाँ हाई है ए इज़ हाई यहाँ यहाँ ए बी के लिए वन टू थ्री फोर सी के लिए जो मेरे हाई मिल रहे हैं मैं उनको सर्कल कर रही हूँ फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को लिख लेंगे ठीक है चलो ए से शुरू करते हैं ए लास्ट टू केसेस के लिए हाई है डी एट एंड डी नाइन के लिए तो ए विल बी इक्वल टू डी एट प्लस डी नाइन ठीक नाउ फॉर बी बी केस में आप देखें ये यहाँ पर हाई है देन यहाँ हाई है देन यहाँ हाई है और देन यहाँ हाई है मीन्स डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी फोर प्लस डी फाइव प्लस डी सिक्स प्लस डी सेवन ठीक नाउ फॉर सी सी के केस में यहाँ पर आई हाँ है मीन्स की दिस वन डी टू प्लस उसके नेक्स्ट डी थ्री प्लस ये फोर होगा फाइव होगा सिक्स एंड सेवन पे है मीन्स की डी सिक्स प्लस डी सेवन नो फोर डी डी के लिए ज़ीरो पर नहीं है वन पर है डी वन प्लस ये डी टू है डी थ्री पर हाई है मीन्स की डी थ्री देन डी फाइव पर हाई है देन डी सेवन पे हाई है देन डी नाइन पर हाँ है। ठीक। तो दिस इज द इक्वेशंस आउटपुट इक्वेशंस फॉर डेसिमल टू बी सी डी इनकोडर नाउ अब हम इसका करते हैं लॉजिक डायग्राम ड्रॉ ठीक है लॉजिक डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं हम इनपुट लाइन्स हमारी कितनी थी जितनी हमारी इनपुट लाइन्स थी वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ डी नोट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन ठीक है दीज आर इनपुट लाइन डन ठीक अब हमें क्या करना है आउटपुट शो करनी है सबसे पहले ए ए पर हमने एक और गेट फॉर ए ए के लिए डी एट प्लस डी नाइन डी एट प्लस डी नाइन फॉर बी ये हमारा ए हो गया फॉर बी ठीक है बी के लिए हमारा क्या है डी फोर मीनस की दिस वन डी फोर देन डी फाइव मीनस की दिस वन देन है डी सिक्स मीन्स की दिस वन देन है डी सेवन मीन्स की दिस वन ठीक है नाउ फॉर सी सी में डी टू डी टू देन डी थ्री डी थ्री देन डी सिक्स डी सिक्स देन डी सेवन डी सेवन ठीक ये ए बी सी हो गए नाउ लास्ट डी ठीक है डी वन डी थ्री d5, d7, d9, ठीक है ये हमारे इनपुट्स हो गए ये हमारे बी सी डी आउटपुट्स हो गए ये हमारी बी सी डी हो गई और ये हमारे डेसिमल हो गए ठीक है नाउ दिस इज द लॉजिक डायग्राम दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ डेसिमल टू बी सी डी इनकोडर थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच